आरपी टेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। वैसे टेक न्यूज़ बताने में दोस्तों में काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आता है। आई होप आपको सुनने में इतना ही मज़ा आता हो। वैसे आज भी आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताज़ा खबरें, आपको सुनने में मज़ा आएगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली ही बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, क्योंकि हम इसी तरीके से रोज़ाना आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों बिना तो गवाए आज की भी टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों ऑनर से। वे ऑनर के दो बड़े इवेंट होने वाले, जहां पर जो पहला इवेंट वो 23 अक्टूबर को होगा, वहां पर ऑनर अपनी ऑनर मैजिक ओएस 9.0 का अनाउंसमेंट करेगा। और इसके बाद जो इवेंट आएगा जो कि 30 नवंबर को होने वाला है, जहां पर ऑनर अपनी ऑनर मैजिक 7 सीरीज को अनिल करेगा। वैसे काफी अच्छी बात है। अब देखते हैं दोस्तों ये जो ऑनर की मैजिक 7 सीरीज है जो कि हमें कितनी ही जल्दी ग्लोबली एज वेल एज भारत में भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू डिजिटल चेस्ट स्टेशन कहा जा रहा है कि एक चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि अपनी बीओई डिस्प्ले को टेस्ट करी है 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ, जिसमें में एमओडी डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी, अंडर डिस्प्ले कैमरा भी होने वाला है एंड नैरो विजल्स देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है। आपके अकॉर्डिंग दोस्तों कौन सी स्मार्टफोन ब्रांड हो सकती है, क्या सोचे कमेंट में बताइए। एनपीसीआई की बात करें दोस्तों, एनपीसीआई ने हाल ही में यूपीआई सर्कल को इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो यूपीआई सर्कल है जिसमें एक नया फीचर अब देखने को मिल जा रहा है, जहां पर सपोज अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट, तो आप इंडिविजुअली अगर किसी को यूपीआई पेमेंट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। और ये जो फीचर है वो भी फिलहाल लागू हो चुका है भीम यूपीआई पर एंड गूगल पे पर। आपने ट्राई किया है या नहीं कमेंट में जरूर से बताइए। शाओमी की बात करें भाई, शाओमी 15 ये स्मार्टफोन में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों लॉन्चिंग से पहले ये स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। किसी ने वाइवो को रेंडर्स लीक कर दिए और ये देखने से दोस्तों स्मार्टफोन बेहद ही प्रीमियम लग रहा है। और इस स्मार्टफोन को देखने से पता ये भी लग रहा है कि स्मार्टफोन में हमें स्क्वेरिश कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें हमें ट्रिपल एयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, वो भी एलईडी फ्लैश के साथ। वैसे आपको दोस्तों स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक कैसा लगा, क्या सोचे कमेंट में बताइए। ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक अभी फिलहाल काफ़ी बुरी परिस्थिति से गुजर रही है। बहुत सारी कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है ओला इलेक्ट्रिक की। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो हमने सोचा आपको बता ही दें। जहाँ पर उनकी जो पुअर सर्विस है जिसकी वजह से वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहाँ पर जो गवर्नमेंट एजेंसी है एंड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी ने तो भाई नोटिस ही भेज दिया है ओला को, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई आप जो कंज्यूमर के लॉस को वायोलेट कर रहे हो। जी हाँ, जहाँ पर काफ़ी सारी कंप्लेंट्स अभी फिलहाल कंज्यूमर के ओर से देखने को मिल जा रही है। कुछ 80,000 कंप्लेंट आ रही है दोस्तों पर मंथ, सोचिए। और कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जहां पर 6 to 7,000 कंप्लेंट वन डे में आ रही है, तो ये काफी बुरी बात है। जहां पर जो कंप्लेंट्स है उसमें ज्यादातर डिले डिलीवरी है और उसी के साथ आफ्टर सेल सर्विसेज की भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर काफी सारे कंज्यूमर का ट्रस्ट तोड़ चुका है ओला। तो ओला इलेक्ट्रिक को कंज्यूमर का ट्रस्ट वापिस से जीतने के लिए कुछ नया करना होगा एंड जो आफ्टर सेल सर्विसेज है जिसको और भी ज्यादा इंप्रूव करना होगा। दोस्तों हाल ही में दो बड़े सेल गए, फ्लिपकार्ट पर बीवाईडी सेल गया, अमेजोन पर जीआईएफ सेल गया। और ये दोनों ही सेल के दौरान दोस्तों जो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन ब्रांड को सेल किया हुआ है वो फ्लिपकार्ट ने सेल किया हुआ है। जी हाँ, और नंबर 1 पर कौन सी स्मार्टफोन ब्रांड लीड किए पता है आपको? जहां पर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचे गए दोनों ही सेल को मिला के, तो वो है दोस्तों नंबर 1 ब्रांड सैमसंग। उसके बाद आता है शाओमी, फिर वीवो है, एप्पल है, ओप्पो है, रियलमी है, वन प्लस है। वैसे सेल के दौरान अगर आपने भी कोई भी स्मार्टफोन को परचेस किया है, तो आपने कौन सी कंपनी के स्मार्टफोन परचेस किया है कमेंट में जरूर से बताइए। गूगल की बात करें दोस्तों, भी गूगल की जो एंड्राइड 15 की जो अपडेट है जिसका काफी सारे यूजर्स इंतजार कर रहे होंगे उनके स्मार्टफोन को लेकर कि भाई कब हमारे स्मार्टफोन में हमें एंड्राइड 15 की अपडेट देखने को मिले। पर दोस्तों एंड्राइड 15 के जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वो निकल कर बाहर आ चुके हैं, जहाँ पर एटलीस्ट आपके स्मार्टफोन में 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज होना चाहिए। और इसी के साथ आपके स्मार्टफोन में एटलीस्ट 1.2 GHz की ड्यूअल कोर 64 बिट की चिपसेट होनी चाहिए, तभी आपके स्मार्टफोन में एंड्राइड 15 रन कर सकता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो बीवाईडी ये जो कंपनी है जिन्होंने अपनी एक नई इलेक्ट्रिक एमपीवी को लॉन्च कर दिया है भारत में, जिसका नाम है ईमैक्स 7। वैसे दोस्तों ये जो एमपीवी है जिसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जहां पर एक प्रीमियम वेरिएंट एक सुपीरियर वेरिएंट। जहां पर जो प्रीमियम वेरिएंट है दोस्तों जिसमें आपको 6 सीटर सीट्स देखने को मिल जाती है, जबकि सुपीरियर मॉडल में आपको 7 सीटर सीट्स देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये पहली दोस्तों इंडिया की इलेक्ट्रिक एमपीवी हो जाती है जिसमें आपको 7 सीटर सीटिंग्स देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ दोस्तों इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो वे जो प्रीमियम वेरिएंट है जिसमें आपको 420 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाती है, हालांकि जो सुपीरियर वेरिएंट है जिसमें आपको 530 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी। वैसे दोनों ही कार्स के जो डिजाइन है वो स्लिक डिजाइन के साथ आते हैं एंड देखने में ओके भाई इतनी फ्यूचरिस्टिक सी नहीं लगी है। वैसे दोनों ही कार्स में हमें 12.8 इंच की बड़ी सी टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगा, पैनारोमिक सनरूफ भी दिया गया है और इसी के साथ एडवांस सेफ्टी फीचर, पावर सीट्स एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वैसे ये जो दोनों ही वेरिएंट है जिसकी बैटरी एंड मोटर पर आपको 8 इयर्स की वारंटी देखने को मिलती है। वैसे ये जो कार है जिसकी जो प्राइस वो 26.90 लाख रुपीस रखी गई है। वैसे आप हमें ये बताइए दोस्तों, अगर आपका बजट 25 टू 30 लाख रुपीस तक का है तो आप किस टाइप की व्हीकल को परचेस करना चाहोगे, पेट्रोल व्हीकल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या सोचे कमेंट में बताइए। काम के डील की बात करें दोस्तों, अगर आपको चाहिए आपके नॉर्मल से टीवी को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट स्टिक, वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड की, तो जो डील है ना आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है दोस्तों। अमेजोन के और से वाली अमेजोन की फायर टीवी स्टिक अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में अमेजोन पर ही देखने को मिल जा रही है। वैसे इसी के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये आपको डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाएगी, जहां पर एपेचर रिजोल्यूशन का आपको सपोर्ट मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों ये जो फायर टीवी स्टिक है जिससे आप काफी सारे एप्स जो है जिसे डाउनलोड कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, जी हाँ, और ऐप कंट्रोल भी कर सकते हो। वैसे एलेक्सा का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा यही फायर टीवी स्टिक के साथ। वैसे थर्ड जनरेशन की फायर टीवी स्टिक रहने वाली है दोस्तों और इसी की अगर कीमत की बात करें तो ये भी आपको अमेजोन पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ 2199 रुपीज में। वे काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, प्लेंट ट्रेजर ऑफ ऑब्लिवियन ये जो अपकमिंग टाइटल है जो कि भाई 24 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। वैसे दोस्तों ये गेम हमें प्लेस्टेशन 5 एक्सबॉक्स सीरीज पर देखने को मिलेगी, जी हाँ, और ये एक आरपीजी स्ट्रेटेजी गेम होने वाली है। अगर आपको भी इस टाइप की गेम खेलने का मजा आता है तो ये गेम आपके लिए काफी बेहतरीन होगी। वैसे आप हमें ये बताइए दोस्तों, आपकी सबसे पसंदीदा स्ट्रेटेजी गेम कौन सी है, चाहे पीसी पे, चाहे कंसोल पे, चाहे स्मार्टफोन पे, जो भी गेम आपको पसंद कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए होगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।